दर्शकों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन न्यूज़ और मैं हूं पंकज चौहान। दर्शकों, बिश्नाह क्षेत्र के मखनपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक बेहद ही दुखद घटना घटित हुई है। दरअसल पत्नी को मार दिया है पति ने और निर्मम हत्या कर दी है तेजधार हथियार से। ये वही घटना स्थल है जहां पे हम अभी मौजूद हैं। आप स्पॉट अगर देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से निर्मम हत्या कर दी पति ने। आखिर क्यों इतना हैवान बन गया पति? स्थानीय जो लोग हैं उनके मुताबिक पुराना विवाद था दोनों के बीच, जिसके चलते पति ने आज सुबह उसकी हत्या कर दी। तो आप घर के जो दृश्य आप देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके भी। मैं आपको कोशिश करूंगा कि दृश्य ज़्यादा ना ही दिखाऊं, क्योंकि बहुत ही हैवानियत का दृश्य है घर के मंजर। अगर आंगन का आप दृश्य देखोगे घर के बाहर का, तो बेहद ही दुखद घटना है गांव वासियों के लिए, क्योंकि इस तरह से महिला की हत्या होना बहुत ही दुखद घटना है गांव के लोगों के लिए। तमाम महिला के परिजन मौके पर पहुँचे हैं दुख प्रकट करने के लिए। तो ये पूरा वाक्य घटना जो घटित हुई है, मखनपुर गांव है बिश्नाह क्षेत्र का, जहां पे बुधवार सुबह पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी तेजधार हथियार से। वह हथियार भी यहां पे पड़ा हुआ था। मौके पर अब से कुछ देर पहले पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए थे, एसटीपीओ आरएसपुरा सौरभ पराशर पहुंचे हुए थे। उसके साथ साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी, जिन्होंने नमूने इकट्ठे किए हैं, ब्लड के हो चाहे हथियार के जो ब्लड लगा होता है उसके भी नमूने इकट्ठे किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दुखद घटना गाँव वासियों के लिए। पूरी मामले की अगर तह तक जाएं तो यही मामला खुलकर सामने आता है कि पुराना विवाद था। इसके साथ साथ बताते चलें कि पति पर जो व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है, उसके ऊपर इससे पहले भी कुछ मामले बिश्नाह थाने में दर्ज है, बताया जाता है ऐसा। तो एक गंभीर मामला है, कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ पंकज चौहान, जम्मू परिवर्तन न्यूज़ के लिए। जिस टाइम तक उन्होंने दरवाजा तोड़िया होगा उस टाइम तक मैं कांड करके आना। कोई इधर क्या हो या थे?